मेरा नहीं बनता न प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट जलाल्दीन शाह साहब एडिशनल गवर्नर कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर टू इयर्स डेमोक्रेटिक मुसीबतस मज तो तंजीमों हेडक्वार्टर की थी जहां आना थी वो कैसे बनी कि जो मुफ्ती साहब के वो प्रोग्राम थे प्रोसेस कितने आज थे तो पार्टी में मामला सियासी तौर की अमल अमल में घर घर फेरान पार्टी जल चुका तब ये बेट पजन सानी लीडर मोहम्मदी साहबा बुस मोहम्मद शफी परेश वनान सब थोद बारामूला में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा गया है देखिए आपको मालूम है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे जोनल सदूर के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के आलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुनक़द होने पिछले 20 दिन से ये शेड्यूल बनाए तो चूंकि बारामूला में आपको पता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप पहले ही इंतखाब किए हैं जोनल सदूर का और आज हमारा छठा जोन अलहमदिल्ला हुआ और फिर एक जोन रहता है बुनियादी मकसद यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है सही डेमोक्रेसी जहां पर है और हमेशा हर 2 साल के बाद इंटरनल पार्टी के इंतखाबात होते हैं और हमारा बेसिक यूनिट जो है वो जोनल सदर है और जोनल सदर के इंतखाब के लिए जितने भी डेलीगेट्स होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इंतखाब करते हैं वो उसमें वोट डालते हैं और आज अलहमदा आपने यहाँ पर देखा कि हमारे मोहम्मद शफी परे साहब जो हमारे बड़े सीनियर रुकन रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आज उनको असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको बतफा के राय यहाँ का जोनल सदर टंगमर्ग और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहते हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी का जोनल सदर मुंतखब हुआ है हम इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे और यहाँ पर चूँकि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं अब्दुल कयूम बट साहब जो श्रीनगर से आए हैं बारामूला के लिए और हमारे ज़िला सदर पीर जलालुद्दीन शाह साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और बिलखसूस यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हैं हमारे शिविर साहब तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे तो उनकी प्रेजेंस में सारे इंतखाबात हुए अलहमदिल्ला और हर जगह हमारा ठीक ठाक ही अभी चलता है उसके बाद जो बाकी इंतखाबात हैं उसके लिए सदर का भी इंतखाबात होगा और डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खसूसियत यह है कि यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है और ये फार्मलिटी नहीं की जाती है जिस तरह से बाकी तंजीमों में फार्मलिटी की जाती है हम सही तौर पर सही मायनों में विदन पार्टी भी डेमोक्रेसी को फ़रोग देते हैं और अलहमदिल्ला उसी का आपने नतीजा देखा हमें हुक्म मिला है कि जो भी इंतखाबात हों चाहे वो पंचायत के हों चाहे UBL के हों चाहे वो पार्लियामेंट के हों या असम्बली के हों जो भी इंतखाबात होंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेगी और ज़ोरदार तरीके से हिस्सा लेगी और हमने कहा है कि हम यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किसी भी इंतखाबात से दूर नहीं रह सकते देखिए मैंने शायद अंदर तकरीर में भी कहा मैंने कहा कि ये इकोनॉमिक एग्रेशन है और जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है अब मुख्तलिफ इसके मैं पहले भी ये भी कहता हूँ कि 370
ज़्यादातर सिर्फ एक इवेंट नहीं था एब्रोगेशन, बल्कि ये एक प्रोसेस है। उसकी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह से कमज़ोर किया जाता है, उसकी एक कड़ी ये है कि कल आपने देखा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में बड़ा ये रिडक्शन कर दी 20% मेरे ख्याल में। तो ये तो बिल्कुल अब हमारे पास है क्या हॉर्टिकल्चर के बिना, हमारे पास क्या है, हम तो उसी पर गुजारा कर रहे हैं। जो रोज़गार हमारे वसाइल थे वो सारे के सारे छिन गए, यहाँ पर मुलाजमतें मिलती नहीं है। 2-3 यहाँ पर लिस्टें निकली और सारी की सारी में सेकेंडल था। उसके बाद आपकी बाजरी, आपके मिनरल्स, आपकी सेन, जो कुछ है उसको लूटा जा रहा है और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बाजार देखिए, हमारे पास रोड मैप यह है कि लोग हमारे साथ हैं, लोग हमें ताउन करें, और जब लोगों का ताउन रहेगा आने वाले इंतखाबात में, तो इन चीज़ों को रोकना हमारे लिए बड़ा आसान होगा।